Hi guys, this is Ayushi and welcome back to my channel. I hope you all are doing great today. इसका वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए because I'll be doing this full face of makeup जो आप अभी देख रहे हैं. But guys, इस पूरा मेकअप जो मैंने किया है इसका कॉस्ट इज नॉट मोर देन 3500. पूरी की पूरी मेकअप किट मैंने क्यूरेट की है 3500 में. रियली अफोर्डेबल, रियली गुड. ऑल द प्रोडक्ट आर टॉप नॉच. मैंने ये नहीं है कि सबसे कम सस्ता प्रोडक्ट है तो उसलिए वो अच्छा वर्क नहीं करता. एक एक प्रोडक्ट जो मैंने यूज किया है उसका कॉस्ट 400 से ऊपर नहीं है. द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज 399. सारा ही अफोर्डेबल. मिनिमम 50% ऑफ द प्रोडक्ट 200-150 से भी बिलो कॉस्ट कर रहे हैं. बट डिटेल्स में जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना भूलना मत, और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे तो जरूर क्लिक कर देना. प्लीज गो अहेड एंड वॉच द वीडियो. मेरे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो इस बास्केट में हैं, और वन बाय वन मैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी और वो मेरे क्यों फेवरेट है. इज आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक स्पेसिफिक मेकअप रेंज में. इट्स नॉट दैट कि ये अच्छे नहीं है. एंड मैक्सिमम ये 400 क्रॉस कर रहे हैं, उससे ऊपर नहीं क्रॉस कर रहे. मोर देन 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स टू 200 की रेंज में. तो ये जो ये बिगनर फ्रेंडली मेकअप किट है, पूरी किट अगर आप सेम प्रोडक्ट्स लेंगे विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 3500. स्टार्ट करने से पहले स्किन को प्रेप कर लेते हैं, और स्किन प्रेप करने का फर्स्ट स्टेप है लिप बाम एंड मॉइस्चराइजर. लिप बाम का एक वन ऑफ माय फेवरेट ऑप्शन ये वैसलीन का लिप थेरेपी लिप बाम है, स्ट्रॉबेरी वेरिएंट. और भी वेरिएंट्स हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं. ये एक टिंटेड लिप बाम है, बहुत अच्छा, बहुत मॉइस्चराइजिंग है, हल्का सा लिप्स को टिंट भी करता है. और इसका जो प्राइस है वो 149 रुपीज है, विच इज अंडर द बजट. इससे भी अगर आपको कम रेंज में चाहिए, आप वादी हर्बल्स का लिप बाम यूज कर सकते हैं, विच इज फॉर 50 रुपीज. मेरे टॉप 5 लिप बाम्स में भी है, आप जाके उसको चेक कीजिए. मैं आईपीएल वीडियो लिंक डाउन कर दूंगी. मॉइस्चराइजर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है. एक है हिमालय का नेचुरल ग्लो इन केसर, और दूसरा है पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट जेल. बोथ ऑफ दीज मॉइस्चराइजर्स जो है वो एक अफोर्डेबल है और अपनी अपनी रेंज में बेस्ट है. अगर आपकी बहुत ही ऑयली स्किन है एंड यू वॉन्ट समथिंग जो जेल बेस्ड हो, आप ये ले सकते हैं. ये 85 रुपीज का 100 ml कॉस्ट करता है. इट्स दैट अफोर्डेबल. इसकी भी वीडियो लिंक डाउन कर दूंगी. और एक्सपेंसिव साइड में चाहिए और आपकी स्किन अगर कॉम्बिनेशन या ड्राई है, आप ये सुपर लाइट जेल भी यूज कर सकते हैं. ऑयली स्किन पीपल के लिए भी ये बहुत अच्छा है. यू गाइस शुड ट्राई दिस आउट. ये 149 रुपीज का कॉस्ट करता है. आई वार्म अप द प्रोडक्ट और फिर इसे हल्के से मसाज कर दूंगी अपने फेस पे, और मैं इसे बैठने दूंगी फॉर अराउंड 10-15 मिनट्स ताकि वो अच्छे से मॉइस्चराइजर जो है वो सोक इन कर जाए. एंड आई विल बी बैक आफ्टर 15 मिनट्स. और अब बारी है प्राइमर की. एंड फॉर प्राइमर आई हैव दिस ब्लू हेवन का फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर. ये बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइमर है. इट कॉस्ट जस्ट 175 रुपीज. ये सिलिकन बेस्ड प्राइमर है, पोर्स को फिलअप भी करता है और साथ ही साथ ये बेस को स्मूथ भी करेगा. मैं अपने टी जोन पे अप्लाई करके और उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे इसे स्प्रेड करूंगी. मैंने ब्लू हेवन का फेस्टिव किट में लिया था एंड इट्स रियली रियली गुड. बहुत ही स्मूथ टेक्सचर दे देता है स्किन को एंड इट लुक्स फ्लॉलेस. हमारा बजट जो है वो 400 है. मेकअप फाउंडेशन ऑल्सो कॉस्ट अराउंड 300 अगर आप छोटी पैकेजिंग ले. ये जो ये फेसेस का फाउंडेशन है, इट वर्क्स एज अ बीबी क्रीम, बट ये बहुत ही स्मूथ और मैट फिनिश देता है. आई एम लाइकिंग दिस दीज डेज. और इसका जो रिटेल प्राइस है वो 199 का है, और डिस्काउंट पे तो 150 तक का मिल जाता है. लाइट कवरेज के लिए ये वाला बहुत अच्छा है. मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज के लिए आप फिटमी का यूज कर सकते हैं, वो भी आपकी रेंज में आएगा. मैं कंसीलर थोड़ा हैवी लूंगी तो इसलिए ये लाइट कवरेज फाउंडेशन ले रही हूँ, जस्ट टू इवन आउट माय स्किन टोन. आप देख सकते हैं इंस्टेंट फर्क पड़ रहा है मेरे फेस पे. देन एवरीडे फाउंडेशन बहुत अच्छा है. आई डोंट वांट टू ले मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स क्योंकि मेरे को हाई कवरेज कंसीलर ज्यादा पसंद है. बिगनर फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है. हाई कवरेज कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट थोड़ा रन अगर आप बिगनर है. नाउ दैट आई हैव कवर्ड अप माई फेस विद फाउंडेशन, और एल्स यू कैन क्लेम इट एज अ बीबी क्रीम क्योंकि बहुत ही लाइट कवरेज देता है. आई गो विद कंसीलर, और कंसीलर के लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज करूंगी. ये लिक्विड कंसीलर 179 का मुझे कॉस्ट किया था, बट ये इतनी हाई कवरेज देता है. ये मेरा शेड नंबर है वो 03. इसकी भी फुल वीडियो का रिव्यू है, आप जाके देख लीजिए. 02 और 03 मेरे फेस को
बिल्कुल मैच करता है। 04 थोड़ा स्किन टोन के बराबर हो जाता है। मैं अपने यूजुअल एरियाज पे लगा लूंगी। दिस इज व्हाट द एरिया यू शुड मेनली कवर विद। एंड में आईज करो, क्योंकि तब तक क्या होता है वो थोड़ा सिट हो जाता है, थिक हो जाता है और कंसीलर, और आईज को वो फुल कवरेज देगा। आईज पे कवरेज देने से ही आपका पूरा फेस लिफ्ट हो गया है एंड यू कैन सी कि बहुत, मतलब फाउंडेशन का तो लग ही नहीं रहा कि जरूरत थी, क्योंकि आपने कंसीलर ही लगा लिया है। इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस गाइज। अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन लेना चाहते हो, आप सिर्फ फाउंडेशन यूज करना चाहते हो या कंसीलर भी, आई लव टू गो विद दिस वे। ये मैंने कंसीलर और फाउंडेशन लगा लिया है, यू कैन सी बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है। अभी लिक्विड प्रोडक्ट लगाया तो उनको मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट करने की बारी है। मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन का लॉन्ग मेकअप सेटिंग स्प्रे। इसका पहले वाला जो वर्जन था वो मैं पूरा खत्म कर चुकी हूँ। आई लव 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 दिस वन एंड इट जस्ट कॉस्ट ₹175। इट मीन्स जस्ट स्प्रिट्स ऑल अराउंड माई फेस। ये ऊपर से सेट भी कर देता है मेकअप को, और मेकअप जो आपका होगा वो नहीं हिलेगा ऑल डे लॉन्ग को। अब बारी है आपके पाउडर प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले हम लाइटली बेक करेंगे। तो सेट करने के लिए यू कैन यूज अ लूज पाउडर, और एल्स आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। बट आई थिंक लूज पाउडर की जो फिनिश होती है ज्यादा होता है, और कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा हेवी फिनिश का होता है, तो वो ज्यादा लेयर अप करता है। आप बिगनर है, आपको कम लेयरिंग अप करनी है, तो लूज पाउडर के लिए आई वुड सजेस्ट मिस क्लेयर का ये ग्लूमिंग लूज पाउडर। इट्स इन द शेड 02 ट्रांसलूसेंट। मिंटेड, मैं इसको बार बार खरीदती रहती हूँ। एंड ऊपर से इसका जो प्राइस है वो ₹395 है, एंड अ स्मॉल क्वांटिटी गोज अ रियली लॉन्ग वे। गाइस, बेकिंग होती है अगर आप पाउडर लगा के उसको रख रहे हैं फॉर क्वाइट सम लॉन्ग टाइम, 5-6 मिनट के लिए। बट अगर आपको बेक नहीं करना बट लाइटली डस्ट ऑफ करना है, तो कोई भी क्रीज अगर आपकी आईज के नीचे, उसको सबसे एक बार ब्लेंड कर लीजिए। हल्का सा पाउडर लीजिए एट द एंड ऑफ योर ब्यूटी ब्लेंडर एंड जस्ट स्टार्ट पुशिंग इन द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को रखिए नहीं, आप पुश कीजिए और उसको ब्लेंड करते हुए सारे प्रोडक्ट को कर दीजिए, वो मैश हो जाएगा। एंड यू कैन सी दैट इंस्टेंटली इट लिफ्ट्स अप द अंडर आई एरिया। एक्चुअली गो हेड विद माय अपर लिप एज वेल एज माय चिन, क्योंकि वहां पर आई टेंड टू स्वेट अ लॉट, और वहां पर प्रोडक्ट फिर अगर उसको सेट ना करो तो प्रॉब्लम हो जाता है। इस पे मैं थोड़ा हैवी जा सकती हूँ। इट डिपेंड्स वॉट योर कंसर्न एरियाज आर। बेकिंग करके अगर मैं रखी रहती हूँ उसको, तो वो बहुत केकी हो जाता। सिर्फ इतना ही पाउडर यूज करना है, दैट्स इट। इट विल बी इनफ फॉर योर होल फेस। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्लश, कॉन्टोर या हाईलाइट अगर आपको चाहिए, और वो भी मिनिमम प्राइस पे चाहिए, गो फॉर शुगर कॉस्मेटिक्स के मिनीज। आई हैव ऑल थ्री ऑफ देम। एक मिनी जो होता है ना, वो कॉस्ट करता है ₹400। अगर आप पूरा इसका पैलेट ले लोगे, जो इसका पूरा फेस पैलेट आता है, दैट इज 800। वो और भी चीप कॉस्ट करेगा। प्रोडक्ट इन ईच ऑफ दिस इज 4 grams, नॉट मोर देन दैट। ये इसका कॉन्टोर शेड है, सही हाउ कूल द कॉन्टोर शेड इज। दिस इज द हाईलाइटिंग शेड गाइस, इट्स रियली गुड। एंड लास्ट आई हैव द ब्लश। बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत क्यूट पैकेजिंग है, स्लीक है, तो ये काफी ही अफोर्डेबल है एंड इट्स रियली गुड। वेट एंड वाइल्ड के भी ब्रॉन्जेस और लॉरियल के ब्रॉन्जेस भी अच्छे, बट अगेन दैट कॉस्ट अराउंड मोर देन 600। तो ये 400 की रेंज में सबसे बेस्ट था एंड आई एम यूजिंग इट एंड क्वाइट लविंग इट। अगर आप बिगनर, आपने कभी इससे पहले ब्रॉन्जिंग नहीं की, कॉन्टोरिंग नहीं की, डोंट गो फॉर लिक्विड कॉन्टोर, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ब्लेंड करना। गो फॉर पाउडर प्रोडक्ट्स की, अगर वो थोड़ा इधर उधर खराब भी हो गया, यू कैन ऑलवेज गो हेड एंड फिक्स दैट विद द हेल्प ऑफ अ लूज पाउडर। थोड़ा सा यहाँ डबल चिन पे, थोड़ा सा यहाँ चिन पे, और उसके बाद हल्का हल्का नीचे की तरफ पुश करना है, ताकि इट मेशेज इन टू द स्किन एंड ब्लेंड मोर। एंड अब जब भी आप कॉन्टोर करेंगे ना, डू नॉट गो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द चीक्स, ऑलवेज गो अपवर्ड्स, क्योंकि आपको ये चीक एरिया को अपलिफ्ट करना है और फेस का जो फैट है उसको कट डाउन करना है टू गेट अ मोर स्ट्रक्चर्ड लुक। इफ यू हैव अ बिग फोरहेड, आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आई यूजली डू नॉट टेंड टू गो ओवर हेड। आई विल टेक एन आई शैडो ब्रश एंड आई विल डू कॉन्टोरिंग ऑन माई नोज विथ दैट, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है तो थोड़ा और एग्जैक्ट प्रिसिशन आएगा। एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट ब्रश इटसेल्फ, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देना है। हमेशा किसी ना किसी से गलती हो जाती है, बिकॉज यू आर अ बिगनर। ये मैंने ब्लेंड कर लिया, बट मुझे लग रहा है मेरा यहाँ प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा है। टेक सम बेकिंग पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, एक लाइन
कर दूंगी यहाँ पर जस्ट टू गिव दैट मोर स्ट्रक्चर्ड लुक. उसको ब्लेंड कर दूंगी, थोड़ा सा पुट करूंगी, ब्लेंड कर दूंगी और वो एकदम स्किन के साथ ब्लेंड हो जाएगा एंड सी एकदम इक्वल लुक देगा. अगर आपको कॉन्टोरिंग के बाद ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करना है, अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो चुके हो मेकअप में एंड यू वॉन्ट कि आपका फेस पे और स्ट्रक्चर्ड लुक आए, तो बेकिंग आप एंड में कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर ये लगाया, उसके बाद आई लाइटली बेक ओवर हेयर इन सम ओवर हेयर. आई विल डू इट लाइक दिस. इससे नोज भी स्लीक हो जाएगा एंड इट विल गिव यू अ मोर स्ट्रक्चर्ड लुक. सी इट विल मेक अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस. टेकिंग अ फ्लफी ब्रश, मैं उसको ब्रश ऑफ कर देती हूँ जल्दी से. आई डोंट वॉन्ट टू बेक एक्स्ट्रा. ऐसा भी करने पे एकदम स्ट्रक्चर्ड लुक आ गया यहाँ पर एंड इवन ऑन द नोज यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट गाइस. सी मुझे ब्लशेस बहुत पसंद है एंड आई एम यूजिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक्स का जो ब्लश है एंड आई एम इन दिस शेड सैलमन सुपर स्टार. ये एक बहुत ही रोज काइंड ऑफ अ ब्लश है, रोज कलर्ड ब्लश है. एक फ्लफी ब्रश पे लिया, उसके बाद जहां आपने यहाँ पर कॉन्टोर किया है उसी के साथ आपने कर दिया. इफ यू वॉन्ट अ सन किस्ड लुक तो ऑब्वियसली आप अपने नोज के आसपास जा सकते हैं, बट आई लव टू गो ओवर हेयर एंड देन ब्लेंडेड इन टू माई हेयर लाइन. एंड में जो भी प्रोडक्ट इसके ऊपर लेफ्ट होता है विच इज नॉट मच, इसको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर ब्लेंड कर दूंगी. अहेड एंड डैब अ ब्यूटी ब्लेंडर. ब्यूटी ब्लेंडर में कुछ भी नहीं है, कोई पाउडर या फाउंडेशन हो उसको डैब करके ताकि थोड़ा सा वो ना कलर टोन डाउन हो जाए. आई हैव द हाईलाइटर. हाईलाइटर का शेड है चैंपियन चैंपियन. सो दिस इज व्हाट द शेड इज. मैं हल्का सा लूंगी एक फ्लफी स्मॉल फ्लफी ब्रश में, इसको डस्ट ऑफ करूंगी एंड देन आई अप्लाई ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ माय चीक्स ब्लश के एकदम ऊपर. मेक श्योर कि आप तीनों प्रोडक्ट्स को लेयर जो कर रहे हो वो एक के ऊपर एक हो, नो डाउट, बट वो मेस्ट लगे. उसके बाद इट डिपेंड्स, लोग या तो बीच में करते हैं यहाँ पर या तो साइड्स पे इधर, ताकि व्हेन यू विल रोटेट योर फेस वो शाइन करे. आई लाइक टू गो दैट मच ऑन माई फोरहेड. मैं हल्का सा यहाँ नोज के पे, यहाँ टिप पे, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे करूंगी. आई लव टू डू इट ऑन चिन. थोड़ा एक्स्ट्रा और चाहिए कि थोड़ा वो एकदम बूम ऑन द फेस हाईलाइटर हो. आप हाईलाइटर लेके ब्रश को ही एक सेटिंग स्प्रे से मिस्ट कर दीजिए, नहीं तो आप बहुत सारे पाउडर्स है उसको मैश करने के लिए आप पहले मेकअप फिक्सर ले, उसको थोड़ा सा ब्रश पे लिया और उसके बाद यहाँ इसके ऊपर दोबारा हल्का हल्का वेरी ऑन विथ वेरी लाइट हैंड उसको टैप कर दिया. इससे क्या होगा कि वो और ज्यादा ग्लोई इफेक्ट दे देगा. सो गाइस दिस इज व्हाट योर बेस मेकअप विल लुक लाइक. वेरी नेचुरल, वेरी एफर्टलेस. ऐसे नहीं लगेगा कि आपने इतना कुछ किया है, बट इट विल एड अ ओम फैक्टर टू योर मेकअप. अब बारी है आईज की एंड आईज के अफोर्डेबल प्रोडक्ट पे हम चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईब्रोज पे जाएंगे. आईब्रोज के लिए आप प्राउ पोमेड ले सकते हैं, नहीं तो आईब्रो पेंसिल ले सकते हैं. मेरे पास ये एटूड हाउस की आईब्रो पेंसिल है विच कॉस्ट अराउंड 250 रुपीज. नॉट कि आपको ये ही लेनी है, आई यूजली टेंड टू गो फॉर दिस क्योंकि एक तो ये रिट्रैक्टेबल है, पेंसिल शार्पनर वाली नहीं है और इसका एंड में स्पूली भी है, सो इट्स रियली गुड. ये बहुत ही नेचुरल आपकी ब्राउज को फिल इन करेगी. मैं ब्रश से क्या करूंगी, सबसे पहले ऊपर की तरफ ब्राउज को लेकर जाऊंगी. वेरी लाइटली आई जस्ट आउटलाइन माई ब्राउज. इट डिपेंड्स, इफ यू मेरी थोड़ी सी थिक है, नॉट दैट थिक बट थोड़ी सी थिक है. सो व्हाट आई डू, आई यूजली टेंड टू आउटलाइन इट फ्रॉम अपवर्ड्स एंड देन फ्रॉम डाउनवर्ड्स. उसको एक शेप दे दी, आई जस्ट फिल इट इन वेरी नेचुरली. आर अ बिगिनर, ब्राउ पोमेड्स कैन बी वेरी ट्रिकी टू वर्क विद. ऑलवेज गो फॉर पेंसिल्स विच आर रिट्रैक्टेबल. उसके बाद व्हेन आई अप्लाई ऑल द प्रोडक्ट्स आई जस्ट गो अहेड एंड यूज अ स्पूली टू शेप इट. यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इट डिपेंड्स हाउ यू वॉन्ट योर ब्राउज टू लुक लाइक. ये नेचुरल लुक देगी, इट विल नॉट लुक फेक एट ऑल. इसके बाद इफ यू वॉन्ट टू क्लीन अप ऑल द एक्सेस एंड गिव मोर शेप एंड डेफिनेशन, यू कैन ऑन अ वेरी स्मॉल फ्लैट ब्रश यू कैन टेक सम कंसीलर, जस्ट यूज इट अंडर योर ब्राउ जस्ट टू गिव मोर डेफिनेशन एंड ब्लेंड इट डाउनवर्ड्स. इफ यू वॉन्ट टू हैव मोर प्रिसिशन यू कैन डू द सेम प्रोसेस
बट अगर आपको नेचुरल ही रखना है आई वुड सजेस्ट गो फॉर नेचुरल. इससे क्या होता है इफ यू आर अ बिगनर आप कम उसको मैस अराउंड करेंगे और उसको एकदम ही सही रहेगा. फिंगर से मैंने ये ब्लेंड आउट कर दिया. यू कैन सी नाउ देयर इज अ आर्च विच इज मोर प्रोमिनेंट. अगर बिगनर आपको बहुत बेसिक कलर चाहिए नॉट मोर देन दैट एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर यू कैन ऑलवेज गो फॉर एल्फ के ये मिनी ट्रियो बाइट साइज प्रोडक्ट होते हैं एंड इट कॉस्ट जस्ट 350 bucks. ये दोनों मैंने लिए थे. ये मेरे को 175 ईच लगा कॉस्ट किया था क्योंकि तब बाय वन गेट वन का ऑफर था. बट अगर आपको थोड़े और कलर्स चाहिए यू कैन गो फॉर वेट एंड वाइल्ड के आई शेडो पैन भी दैट इज अ बिट हायर. वो 550 के अराउंड कॉस्ट करते हैं. इनका प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है. यू गेट अ रियली लॉट ऑफ प्रोडक्ट. एक मेरे पास ये शेड है बेरी बैड और दूसरा है कार्निवल कैंडी. बोथ ऑफ देम आर गुड. दोनों में न्यूट्रल कलर्स है एंड वन वन शिमर शेड है. इट डिपेंड्स अपॉन योर कलर पैलेट कि आपको कौन सा यूज करना है. टुडे आई विल यूज दिस बेरी बैड. दिस विल बी अ ट्रांजिशन कलर. दिस विल बी अ क्रीज कलर एंड अ आउटर वी कलर एंड दीज टू विल बी द शिमर्स दैट आई विल अप्लाई. गो फॉर आप एक या दो फ्लफी ब्रश रख सकते हैं जैसे कि ये थोड़ा एक राउंडेड टेपर्ड फ्लफी ब्रश है और ये थोड़ा एक फ्लैट फ्लफी ब्रश है just to give more definition to the eyes. चाहे उसमें मैं ये सबसे light shade लूंगी. टैप आउट करना एक्सेस को बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो फेस पे ना गिर जाए. यू कैन सी हाउ मच द पिगमेंटेशन इज. I'll just blend it all over my crease area just for the transition. थोड़ा ऊपर नीचे ताकि एक simple wash of color आ जाए and it will be good. Dark वाला आप outer पे ले सकते हैं and create a small crease. जो आपका eyes का V होता है वहां apply करो और उसको धीरे धीरे अंदर की तरफ push करो. अगर आप एक कलर लेते तो आपको बहुत कम प्रोडक्ट लेना पड़ता है इतना ज्यादा पिगमेंट शो होने के लिए. तो ये मैंने दो कलर लिए हैं. टेकिंग अ क्लीन ब्रश ऊपर जो भी मैंने ले किया था उसको हल्का सा मैं ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श क्रीज ना हो. अगर आपके पास कोई शेडर ब्रश है प्लेस करने के लिए इस आई शेडोज को आप वो यूज कर सकते हैं वरना आपकी फिंगर्स ही काफी है. सबसे स्मॉल फिंगर पे मैं ये कलर लूंगी उसको लिड्स पे अपना इनर लिड्स पे लगा दूंगी. धीरे धीरे उसको प्रेस कर दूंगी लगा दूंगी जस्ट टू गिव अ नाइस लुक. आप ये देखिए फिंगर से ऐसे लगता है कि जैसे कितना अच्छा इफेक्ट आ गया. See how good the effect is. You do not have to use extra. आपके पास जितने products है आप उसी में ही काम कर सकते हैं. अब इसको स्मच करने के लिए जो एंड में था ना जितना भी प्रोडक्ट आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना बस इन दोनों एंड को अच्छे से स्मच आउट कर देना. अगर आपको और ग्लिटर चाहिए तो आप क्या कर सकते उस पर ये ले. This is what you have taken. थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे डाले देन जेंटली प्रेस इट जहां जहां आपने आई शेडो लगाया था जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा ओम्फ एंड एक्स्ट्रा शाइन. सी एक ब्रश से यू कैन डू योर होल आई लुक. इट डिपेंड्स वो ब्रश की क्वालिटी कैसी है. दूसरे एंड से हल्का हल्का मैं ब्लेंड कर दूंगी. आई हैव टू ऑप्शन फॉर काजल. दोनों ही अफोर्डेबल है. एक ये ब्लू हेवन का अप टू 24 आवर काजल है विच कॉस्ट अराउंड 85 bucks. बहुत अच्छा है. और अगर थोड़ा सा और हैवी ड्यूटी कोल लुक चाहिए तो आप ये स्ट्रोक ऑफ जीनियस शुगर कॉस्मेटिक्स का कोल ड्यूटी ले सकते हैं. इट इज फॉर 250 rupees बट ये ज्यादा इंटेंस लुक देगा तो ये रिट्रैक्टेबल है. ये करके मैं इसको नीचे वाटर लाइन में हल्का सा लगा दूंगी और एंड्स की तरफ थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगी. या तो आप अपनी फिंगर का यूज कर सकते हैं द सेम फिंगर क्लीन करके नहीं तो आप एक ब्रश का यूज कर सकते हैं. इसको हल्का हल्का स्मज कर दो. गाइस पहले ब्रशेस नहीं होते थे फिंगर्स वर मोर देन एनफ टू क्रिएट अ लुक. वही जो ब्रश आपने पहले यूज किया था वो डार्क शेड लेके ये वाला उसके ऊपर दोबारा ले आउट कर दो. टेकिंग अनदर स्मॉलेस्ट फिंगर मैं हल्का सा उसको यहां अप्लाई कर दूंगी. यू कैन सी द होल लॉट ऑफ डिफरेंस. यू
वॉन्ट आप फॉल्सीज लगा सकते हैं, बट आई लाइक फॉल्सीज, बट कोई स्पेशल ओकेजन हो तभी. इफ यू आर अ बिगनर एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन फॉल्सीज और फॉल्सीज से आपको डर लगता है, आप बहुत एक लेंथनिंग मस्कारा ले सकते हैं. मार्केट में बहुत अच्छे मस्काराज अवेलेबल है. इफ यू आर गोइंग फॉर अ गुड मस्कारा बट थोड़ा अफोर्डेबल, मेबलिन के बहुत अच्छे है, द हाइपर कर्ल, लैक्मे के ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव चले जाओ 700 की रेंज 800 की रेंज में, तो लॉरियल के बहुत अच्छे, द लैश पैराडाइज वन, अफोर्डेबल येट गुड एंड वर्क्स फिनोमिनल लाइक अ हाई एंड प्रोडक्ट. मैं असेंस के मस्कारास रेकमेंड करूंगी. 325 350 की रेंज में आ जाते हैं बट वो इतने अच्छे होते हैं, आई कांट टेल यू हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स. दिस इज व्हाट माय लैशेस इज लुकिंग राइट नाउ, बट सी आफ्टर आई अप्लाई दिस, जस्ट अप्लाई इट वन कोट. आई गो फॉर वन कोट नीचे, बट ऊपर लैशेस के लिए आई गो फॉर 2 to 3 कोट डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस. This is the difference that it has made. Now let me complete my second eye and I'll come back. Guys, my eyes are done. All the products that I've used are affordable. And the last that I have are lips. And I don't have one. I have 3 options. पहले option है Maybelline का Color Sensational Liquid Matte in Minis. It costs $99. ये बहुत ही affordable, travel friendly है. You guys can check out on this. बस नायका के ही और ऑप्शंस है, विच इज द अल्ट्रा मैट मिनी लिपस्टिक्स. दीज आर द ऑप्शन गाइस. ये बहुत छोटी लगती है ये, बट अ स्मॉल क्वांटिटी कैन गो अ रियली लॉन्ग वे. सी दीज लिपस्टिक, दिस इज व्हाट द कलर इज. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कल्ट फेवरेट कलर, विच इज मोना लिसा. सी द पिगमेंटेशन, सी हाउ मैट इट इज. You need to apply a lip balm below this क्योंकि ये बहुत ही matte है. Transfer proof नहीं है, mask proof नहीं है, but it will stain your lips. Lips को ये stain कर देता है. इसका color payoff इतना अच्छा है. Another option जो मैंने recently ही मैंने discover किया, which was there non-transfer lip color from Blue Heaven. These are actually liquid lipsticks which are non-transferable. These are the 2 colors I have. ये mask proof भी है. You can see the color yourself और ये transfer proof भी है. Love all 3 shades. ये जो इसका cost है इसका 150 है, मतलब सारे के सारे 150, और जो ultra matte मैंने लगाया था उसका 239 है, which is around 240. Discount चल रहे तो आपको और cheaper price पे मिल सकते हैं, मैंने किया है. The whole kit, अगर आप एक एक चीज भी लेते हो सिर्फ इस kit से, will not cost you more than 3500 or 3600. Highly recommended to buy it. Let me just complete my whole look and I'll come back. This is my full face of makeup using all the products that are drugstore beginner friendly and anybody can go for this makeup, and I have used minimal of the minimal products. Hope aapko ye video mera pasand aaya ho. See you next time. Bye.